हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज हम आपको थ्री फोर ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा जंप सूट बनाना सिखा रहे हैं इसके लिए हमने सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर क्लोथ लिया है ये दो पीस हमने योग के लिए लिए हैं जिसकी लेंथ एट इंच है और चौड़ाई में ये सिक्सटीन इंच है अब हम इसको डबल कर लेते हैं फोर लेयर यहाँ पर इसकी हो गई हैं इस साइड से जिस साइड से हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है हमें नेक का निशान लगाना है इस पर फोर इंच का और लेंथ में इसको टू इंच कर देना है या आर्म होल की लेंथ हमने टू इंच ली है अब हम इसको चकोर कर देते हैं और आर्म होल में गोलाई कर देते हैं नेक की लेंथ हम वन इंच लेते हैं और इसको ऐसे गोलाई करते हुए ऊपर तक मिला देते हैं यहाँ से हम फिटिंग के लिए वन इंच लेते हैं और इसको तिरछा करते हुए नीचे की साइड से मिला देते हैं अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ये देखिए ये दो पीस हमने शॉर्ट के लिए ले लिए हैं जिसकी लेंथ ट्वेल्व इंच है और चौड़ाई में ये ट्वेंटी इंच है अब हम इसको डबल कर लेते हैं फोर लेयर यहाँ पर इसकी हो गई है अब ये देखिए इस साइड से भी हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है इस साइड से भी जुड़ा हुआ हिस्सा है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा इस पर यहाँ पर निशान लगा देते हैं ये टू इंच का हमारा बचा हुआ फैब्रिक है और लेंथ में आसन को हम एट इंच रखते हैं चौड़ाई में टू इंच रखते हैं ऐसे करते हुए यहाँ पर चकोर निशान लगा लेते हैं अब हम यहाँ पर गोलाई कर लेते हैं मोहरी पर हमें टू इंच का निशान लगाना है और गोलाई करते हुए इसको ऊपर तक मिला लेना है अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये देखिए दोनों पीस यहाँ पर हमारे कट कर शॉर्ट के भी और योग के भी ऐसे हो गए हैं ये हमने रेब की पट्टी ली है आर्म होल में लगाने के लिए और इसी में ही हम स्टेप इस बनाएंगे इसकी लेंथ नाइनटीन इंच है फोर पट्टी हमने ली है और थोड़ी सी पाइपिंग और एक्स्ट्रा हमें लेनी है ये हमने फ्रील के लिए एक फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई टू इंच है अब हम इसको बारीक सा फोल्ड कर लेते हैं ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है इसको अब हमें इस जगह इसमें बारीक बारीक सी चुन्नटे डालनी है आप चाहे तो इसमें धागे की चुन्नटे भी डाल सकती हैं चुन्नटे डालकर हमें इसको नेक के बराबर अपने कर लेना है ये देखिए हमारा फ्रील यहाँ पर तैयार हो गया है अब हम अपना योग लेते हैं और इस पर नेक पर रखकर इसको लगा देते हैं अब हमें यहाँ पर इसकी रोंग साइड पर पाइपिंग को रखना है और राइट साइड पर पलटना है पाइपिंग यहाँ पर हम थोड़ी सी चोड़ी बनाएंगे इसका अंदर का पाइपिंग का फैब्रिक हमें कट नहीं करना है ऐसे ही दो, दो बार फोल्ड करके इसको इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है और अंदर की जो सभी सिलाई आई हुई है वो इस पाइपिंग के नीचे की साइड को हमें दाब देनी है ये देखिए पाइपिंग हमारी लगकर तैयार हो गई है अब यहाँ पर आर्म होल में हम इसके पाइपिंग लगा लेते हैं इसको हल्का सा हमें खींचना है ज़्यादा नहीं खींचना है आर्म होल में हमने पाइपिंग लगा ली है अब ऊपर की साइड से हम दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करते हैं पाइपिंग को और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं एक साइड पर हमें इसकी सिलाई लगानी है एक साइड ऐसे ही रहने देनी है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी ये स्टेप बनकर तैयार हो रही है इसी स्टोव में हमारे नीचे की आर्म होल भी तैयार हो गया है दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही पाइपिंग लगानी है इस साइड में पाइपिंग को हम ऊपर की साइड से रख कर लगाते हैं यहाँ से हम फोल्ड कर लेते हैं और इस पर एक सिलाई लगा देते हैं दोनों साइड से फोल्ड करते हुए हमें इस स्टेप को भी तैयार कर लेना है ऐसे ही हमें अपनी बैक साइड की स्टेप भी तैयार करनी है उसमें सिर्फ फ्रिल नहीं लगाना है बैक साइड में ये फ्रिल हम सिर्फ फ्रंट साइड में लगा रहे हैं ये देखिए हमारा योग तैयार हो गया है बैक साइड का भी हमने ऐसे ही तैयार कर लिया है अब हमने ये फोर पीस लिए हैं लुप्पियों के लिए जिसकी चौड़ाई भी थ्री इंच की है और लंबाई भी थ्री इंच की है अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से गोलाई की शेप इसमें दे देते दे हैं ये देखिए फोर पीस लुपियाँ हमारी तैयार हो गई हैं डोरी को हमें बीच से बारीक सा करना है स्टेप को अपनी और इसको यहाँ से पक्का करते हुए नीचे तक इस पर सिलाई लगा देनी है अब हम इसको पलट लेते हैं ऐसे ही हमें सभी डोरियों में स्टेप में अपने लुपी लगाकर तैयार करना है अब हम इसको डबल करके यहाँ पर रख लेते हैं और साइड में फिटिंग की सिलाई इस पर लगा देते हैं इस सिलाई को हम डबल कर देते हैं दूसरी साइड से भी हमें सिलाई को अपने ऐसे ही लगा कर तैयार करना है योग हमारा तैयार हो गया है ये देखिए कितनी प्यारी साइ ये बैठ गया है अब हम नीचे की शॉर्ट लेते हैं और इस पर आसन पर सिलाई लगा लेते हैं एक सिलाई यहाँ पर हम और लगा लेते हैं दूसरी तरफ के आसन पर भी हमें डबल सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेना है अब यहाँ पर हमें हल्की हल्की सी चुन्नटे डाल देनी है ये हम मोहरी में चुन्नटे डाल रहे हैं मोहरी में भी चुन्नटे डालकर हम पाइपिन लगाएंगे ये देखिए हल्के हल्की सी हमने यहाँ पर चुन्नटे डालकर मोहरी को अपनी तैयार कर लिया है अब हम ये पाइपिंग लगाते हैं हमें ये शॉर्ट के उल्टी साइड पर लगानी है और सीधी साइड को पाइपिंग को पलटना है यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है एक्स्ट्रा पाइपिंग हम कट कर देते हैं अब इसको ऊपर की साइड को फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं सभी फैब्रिक जो हमारा अंदर की साइड का है वो इसी पाइपिंग के नीचे की साइड को हमें दाब देना है ये देखिए फ्रेंड्स पाइपिंग हमारी लगकर तैयार हो गई है और चुन्नटे भी इसमें डाल दी है हमने इस साइड का मोहरी भी हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं दोनों मोहरी यहाँ पर हमने तैयार कर ली है हम मोहरी को मिला लेते हैं और यहाँ पर आसन पर सिलाई लगा लेते हैं ये हम नीचे के शॉर्ट के नीचे के आसन पर सिलाई लगा रहे हैं यहाँ से हम पक्का कर देते हैं अब इस साइड से भी हमें पक्का करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है अब हम दोनों शॉर्ट के हिस्से को मिला लेते हैं और यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेते हैं जिससे हमें इसकी बीच की साइड का पता चल जाए अब हमने अपना योग लिया है इसको शॉर्ट के अंदर की साइड को डाल देते हैं ये देखिए हमने यहाँ से ये यह मिला दी है अब हम इसको यहाँ से एक दूसरे से मिला लेते हैं और इस पर यहाँ पर बीच में सिलाई लगा लेते हैं ऐसे ही हमें चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेना है यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है ये जब सूट हमारा तैयार हो गया है अब हम इसमें बीच में लास्टिक डाल देते हैं ये ट्वेंटी टू इंच की हमने लास्टिक ली है इसमें बीच में हम निशान लगा देते हैं और यहाँ पर रख कर इसको हमें लगा देनी है लास्टिक को हमें ज़्यादा नहीं खींचना है जहाँ तक निशान लगाया है हमने वहाँ तक हमारी दूसरी साइड तक वो लास्टिक आनी चाहिए इसके बाद का हिस्सा हमारा दूसरी साइड आ जाएगा ये देखिए फ्रेंड्स लास्टिक यहाँ पर हमारी लक्कर तैयार हो गई है और कितना प्यारा सा हमारा जम सूट बनकर तैयार हो गया है बेबी की फिटिंग के हिसाब से हम ऐसे उसको बांध देते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए डिज़ाइन के साथ तब तक के लिए बाय